मध्य प्रदेश के धार जिले में होने वाली चोरी डकैती और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए धार एसपी आदित्य प्रताप के निर्देशन में चलाई जा रही मुहिम में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है, तो वहीं बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि गत माह धार क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला करने वाले दो बदमाशों को धार क्राइम ब्रांच और टांडा पुलिस ने धर दबोच लिया है, तो वहीं दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है। प्रभारी संतोष कुमार पांडे को मुखबिर की सूचना मिली है कि लूट, डकैती, तोड़फोड़ और आगजनी के फरार आरोपी अपराध करने की नियत से जा रहे हैं। मुखबिर की बात को गंभीरता से लेते हुए धार क्राइम ब्रांच और टांडा पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही की। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि गुराड़िया फाटा टांडा बोरी रोड पर क्राइम ब्रांच धार टीम पर हमले करने में शामिल बदमाशों में से दो बदमाश महेंद्र बामनिया जगदीश सोलंकी, जो चोरी व नकबजनी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। आरोपियों के पास से चोरी की दो मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। धार से संवाददाता जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। धार पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महेंद्र पिता कलम और जगदीश पिता बीजू सोलंकी, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों 4/11/19 को क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला करने के मामले में ये आरोपी हैं, और इनसे इनको जब पकड़ा गया तो इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल मिली और पूछताछ करने पर 4 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें इनसे मिली है। ये दो अन्य पत्थरबाजी के मामलों में भी वॉन्टेड थे, उसमें इनको गिरफ्तार किया गया। और जो क्राइम ब्रांच की टीम है उस पर हमला करेंगे, इन्होंने अपने अन्य 12 साथियों के नाम बताए हैं। ये लोग इंदौर और महाराष्ट्र के मामलों में भी फरार हैं। इन लोगों से 4 मोटरसाइकिल। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।